आज हम क्रिएट करने वाले हैं टेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और ये काफी एडवांस लुक है। प्लस इसको आप अपने साइंस फिक्शन फिल्म के टाइटल एनिमेशन के लिए भी यूज कर सकते हो गाइस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा कलर पैलेट यहाँ पे रेडी है। अब मैं यहाँ पे मेरा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट कर रहा हूँ और अपना जो टाइटल है उसको यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। तो मेरे लिए यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म, में डाल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डाल दिया। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एंकर पॉइंट सेंटर में करता हूँ और इसको थोड़ा मैं सेटल कर लेता हूँ पैनल को, और अलाइन कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो कंपोजिशन के सेंटर के अंदर, तो यहाँ पे हमने इसको अलाइन कर दिया है। अब इसको पकड़ते हैं हम लोग, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्केल कर देता हूँ थोड़ा यहाँ पे। तो इस हिसाब से मैंने क्या कर दिया, इसको स्केल अप कर दिया है। तो अब ये यहाँ पे मेरा टेक्स्ट रेडी हो चुका है। अब इसी का मैं क्या करने वाला, एक डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मेरा दूसरा जो वर्ड रहेगा यहाँ पे मेरे टाइटल के लिए, वो है मेरा एनिमेशन। ठीक है, तो अब इसको भी हाइड करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म और इसका देख लेते हैं एंकर पॉइंट वगैरह सेंटर में है। हाँ, ये सेंटर में है, और इसका अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं। तो हाँ भाई, ये भी प्रॉपरली सेटल है। अब मैं एनिमेशन को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे की तरफ ले लेता हूँ लेयर को, और यहाँ पे इन दोनों टेक्स्ट लेयर को पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करता हूँ वन बाय वन, और उसका प्रीकॉम्प हम जनरेट कर लेंगे। ओके करता हूँ इसको। प्रीकॉम्प करने जनरेट करने का रीजन ये है कि जैसे मैंने कहा, आप इसको सिनेमेटिक टाइटल के लिए तो यूज कर ही सकते हो। आगे जाके आपको टाइटल नेम चेंज करना है, टेक्स्ट वर्ड चेंज करना है, आप आराम से कर सकते हो। अदरवाइज टेक्स्ट तो आप वैसे भी चेंज कर सकते हो प्रीकॉम किए बिना भी, बट उसके अलावा अगर आपको इसके अंदर किसी लोगो एनिमेशन को भी जनरेट करना है, किसी ग्राफिक्स को एनिमेट करना है, तो भी आप बहुत ही बेटर तरीके से कर सकते हो गाइस। सो इसीलिए प्रीकॉम कर लेना आपके लिए यूजफुल होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको भी ओके कर दिया है। अब एनिमेशन वाले लेयर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हाइड कर दिया है। अब जो मेरा ट्रांसफॉर्म वाला लेयर है उसके ऊपर मैं सबसे पहले यहाँ पे इफेक्ट में जा रहा हूँ। यहां से मैं जाऊंगा ट्रांजिशन के अंदर, या फिर यस ट्रांजिशन के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड वाइप करके इफेक्ट है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब कार्ड वाइप के अंदर, कार्ड वाइप इफेक्ट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो है हमारा ट्रांजिशन कंप्लीशन, ठीक है ना। तो उसको सबसे पहले हमें एनिमेट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं जीरो कर देता हूँ, जीरो नंबर की फ्रेम के ऊपर उसकी वैल्यू ट्रांजिशन कंप्लीशन की, और यहाँ पे स्टॉपवॉच पे की अप्लाई कर देंगे तो एनिमेशन की मेरा जनरेट हो गया। अब यहां से मैं चलता हूँ ऑलमोस्ट 2 सेकेंड। आपको जितना ड्यूरेशन चाहिए गाइस उतना ड्यूरेशन आप यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 100। तो अब ये कुछ इस हिसाब से यहाँ पे आपको एनिमेट होते हुए दिखेगा बराबर है, मतलब एक जैसे ट्विस्ट वाला रोटेशन यहाँ पे हो रहा है, वैसा एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा वेरिएशन चाहिए। तो भाई जब ये रोटेट हो जाए, मतलब स्टार्टिंग में भी ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, जब ये रोटेशन खत्म हो और यहाँ पे 2 सेकेंड पे पहुंचे, तो मेरा एनिमेशन वाला वर्ड रिवील होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप कार्ड वाइप इफेक्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है बैक लेयर, तो वो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। हमारे एनिमेशन टेक्स्ट वाले प्रीकॉम को यहाँ पे हमने चूज कर लिया। तो अब क्या होगा भाई, स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्म दिखेगा और रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये एनिमेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहला काम हो चुका है। बट अब ये क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूस अपने को ऐसा लग रहा है कि अल्फाबेट ही हमारे रोटेट हो रहा है। तो इसके अंदर थोड़ा वेरिएशन लाना है। तो कार्ड वाइप इफेक्ट के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, रोज एंड कॉलम। तो यहाँ पे मैं रो की वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 40, और मैं यहाँ पे कॉलम की वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ 100। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो अब अगर देखें इसको, तो ये कैसा दिखता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ ऐसा इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद थोड़ा और चेंजेस करना है। तो यहाँ पे जो टाइम रैंडमनेस मिल रहा है आपको कार्ड वाइप इफेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे मैं वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ कुछ 0.60 की। तो अभी आप देख रहे हो कि एक अच्छा सा इफेक्ट मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे जनरेट होते हुए आपको दिख रहा है। ठीक है ना, तो ये मेरा इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो रहा है बेटर तरीके से। अब मैं सपोज थोड़ा चाहता हूँ इसको उल्टा कर दूं, मैं यहाँ पे 100 देता हूँ, यहाँ पे 40 देके देखता हूँ, देखते हैं अब कौन सा इफेक्ट मुझे मिलता है। सो लेट्स सी दैट। तो मुझे ये सही लग रहा है, आप आगे जाके इसके अंदर क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो, इस हिसाब से आप क्या करो यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि इसी कार्ड वाइप इफेक्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है पोजीशन जिलीटर, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जेड जिटर अमाउंट।
मतलब जो भी हमारे जिटरी पार्टिकल यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, टैक्स के जो पार्ट जनरेट हो रहे हैं, हम इसको क्या करेंगे, जेड एक्सिस में हम उसका पोजीशन, जब भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक टैक्स का दूसरे टैक्स के अंदर, एनिमेशन हो रहा है टाइटल का हमारे, तब क्या होगा कि ये चेंजेस होते रहेंगे उसके अंदर जेड की पोजीशन में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जेड पोजीशन पे यहाँ पे की दे रहा हूँ 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर, वहां पे वैल्यू 0 है हमारा। अब 1 सेकेंड पे आते हैं और यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ ऑलमोस्ट कुछ 15 के आसपास, चले आते हैं यहाँ पे 2 के ऊपर, और वापस मैं वैल्यू क्या कर देता हूँ इसको 2 सेकेंड के ऊपर फिर से 0 कर देंगे वैल्यू इसकी। तो अब क्या होगा, ये जेड में भी रोटेशन होगा और थोड़ा डेप्थ हमारे लिए ये जनरेट करेगा रोटेशन का। तो ये वैल्यू भी हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि मेरे को, मैं किसी भी ग्राफ को यहाँ पे एडिट नहीं कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आपको एडिट करना है तो। अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं पोजीशन वाली प्रॉपर्टी को भी। अब क्या करना है कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन तो जनरेट हो गया, दूसरा एक चीज टाइटल एनिमेशन ये जो जनरेट कर रहा है, अगर आपको चाहिए कि आपको दोनों टेक्स्ट का शेड अलग अलग रखना है तो भी आप कर सकते हो, कि जैसे अगर यहाँ पे मैं एनिमेशन वाले कॉम्प में चला जाऊं और यहाँ पे इस टेक्स्ट का मैं कलर अगर चूज करके कोई डिफरेंट रखना चाहता हूँ तो भी आप रख सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उस शेड को पकड़ लेगा। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो देखो एनिमेशन मेरा पिंक दिख रहा है और स्टार्टिंग में ट्रांसफॉर्म मेरा ब्लू है। मैं अभी अंडू कर देता हूँ क्योंकि ये खाली आपको दिखाने के लिए किया था, मुझे एज इट इज रखना है। तो ये अभी हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा ट्रांसफॉर्म कॉम्प 1 है उसका मैं एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ, और जो उसका नीचे वाला लेयर है अभी उसके अंदर मुझे टॉप वाले लेयर को हम एज इट इज रखेंगे, जैसा अब तक हमने क्रिएट किया है हमारे टाइटल एनिमेशन के लिए और एडवांस टेक्स्ट एनिमेशन के लिए। तो अब ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट में थोड़ा हमें क्या करना है, एक डेप्थ भी जनरेट करना है, एक रोबोटिक लुक भी देना है ट्रांसफॉर्मेशन का, एक इफेक्ट जनरेट करना है बेटर वाला, साथ में एक हल्का सा ग्लो भी जनरेट करना है बट थोड़ा वेरिएशन के साथ। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू हमारा जनरेट हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेंज कर रहा हूँ जो मेरा टाइम रीमैपिंग है उसको, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 0.75 का वैल्यू, मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ। प्लस मुझे इसका शेड चेंज करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा पहले छोटा कर लेते हैं हम लोग। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इफेक्ट में जाऊंगा, जनरेट में चलते हैं, और मैं यहाँ से जनरेट में से फील इफेक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ। मुझे शेड चेंज करना है, मैं एक येलो शेड जो मेरा यहाँ पे कलर पैलेट में मैंने उसको चूज कर लिया है अभी यहाँ पे। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर लेते हैं फील को, हमने शेड तो चेंज कर लिया है, यहाँ पे ड्यूरेशन टाइम रेंडमनेस हमने चेंज कर दिया है। तब अगर आप देखोगे तो आपको एक येलो शेड भी यहाँ पे दिखता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे मेरे पास एक येलो शेड भी आपके पास जनरेट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये भी बेटर है, मुझे लग रहा है थोड़ा चेंजेस मुझे यहीं पे करना चाहिए। लेट्स मेक इट 40 अगेन, यस ये बेटर है, और इसको मैं कर देता हूँ 100, या ये बेटर दिख रहा है मुझे उस वाले से। तो ये हम लेके चलते हैं अभी 40 एंड 100 इसके अंदर किया है, तो सेम चीज मुझे क्या करने के पड़ेगा, इसके अंदर भी मैं सेम चेंजेस करता हूँ 40 यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ 100 कर देता हूँ, ताकि एक बेटर इफेक्ट जनरेट होते हुए मुझे मिलेगा। तो हाँ ये सही है। अब क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल उसके पीछे टाइमिंग में थोड़ा फर्क आ गया गाइस, बट स्टिल हमें थोड़ा रैंडमनेस चाहिए इसके अंदर। तो अभी क्या करेंगे, जो हमारा पोजिशन ग्लिटर है सेकेंड लेयर के, जिसका शेड हमने चेंज किया है फील इफेक्ट अप्लाई करने के बाद, उसका पोजीशन जिटर यहाँ पे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से हम 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर चले आएंगे और यहाँ पे जो एक्स जिटर अमाउंट है उसके ऊपर की दे देंगे, और वाई जिटर अमाउंट पे हम यहाँ पे की अप्लाई कर देंगे 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर। अब 1 सेकेंड पे चले आएंगे यहाँ पे, और मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का वैल्यू अप्लाई करता हूँ, 3 का इसका दे दिया और वाई का भी मैं क्या करूंगा, वाई जीटर अमाउंट का भी वैल्यू 3 अप्लाई कर देता हूँ। अब चले आएंगे हम लोग वापस 2 सेकेंड के ऊपर, और यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर से एक्स जीटर अमाउंट का वैल्यू 0 कर देंगे और वाई जीटर अमाउंट का वैल्यू भी हम यहाँ पे 0 कर देंगे गाइस। तो अभी क्या हो गया, ये हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट जनरेट हो चुका है, बट एक बेटर लुक देना है, एक रोबोटिक लुक देना है मुझे। थोड़ा इसको यस ऑफ कर देता हूं ताकि ये प्रॉपर तरीके से आपको विजिबल रहे, थोड़ा ग्लोइनेस अप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, उसके लिए मैं कंट्रोल ऑल्ट एंड वाई प्रेस करके एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करता हूं, और इसको मैं नाम दे देता हूं ग्लो इफेक्ट।
तो ये हमने नाम दे दिया है। अब इसको मैं क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा, आप इसको लॉक कर दो क्योंकि इसका कहीं यूज नहीं होने वाला है। और इन दोनों के शेड मैं चेंज कर देता हूं ऑलमोस्ट येलो, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर दिया दोनों का। अब मेरा जो एडजस्टमेंट लेयर है उसका भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ रेड में, और इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ग्लो इफेक्ट। तो इफेक्ट में चलते हैं, स्टाइलाइज में जाएंगे और यहां से मैं चूज कर रहा हूँ ग्लो। तो देखो ये अच्छा खासा ग्लोइनेस तो यहाँ पे जनरेट हो गया, बट इसको बेटर तरीके से रिजल्ट में लेके आना है। तो वापस क्या करेंगे, 0 नंबर के फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थ्रेशोल्ड का वैल्यू मैं 100 कर देता हूँ यहाँ पे, और जो ग्लो रेडियस है उसको मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ गाइस। और इसको क्या कर देंगे, दोनों को कीज अप्लाई कर देंगे, ग्लो थ्रेशोल्ड एंड ग्लो रेडियस को हमें क्या करना है, यहाँ पे की अप्लाई कर देना है। मैं यहाँ से 10 फ्रेम, फिर 1 2 3 4 5 15 फ्रेम आगे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं थ्रेशोल्ड का वैल्यू ऑलमोस्ट कम करते हुए जा रहा हूँ, आई थिंक 70 या 60 के आसपास आपको सही रहेगा, 70 रखते हैं, और इसका वैल्यू मैं कुछ 35 के आसपास रखता हूं, तो ये ग्लो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेट्स यूज 24, ओके, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। अब इसका ग्लो वाला जो लेयर है, एडजस्टमेंट लेयर हमारा ग्लो इफेक्ट का, उसको ओपन करते हैं एनिमेशन प्रॉपर्टी। अब यहां से 2 सेकेंड पे चले जाएंगे, और यहां से मैं क्या करूंगा, पेज डाउन, और 1 2 3 4 5 फ्रेम वापस आएंगे, और ये दोनों कीज को सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मतलब यहां तक ग्लो क्या होना चाहिए, एज इट इज कंटिन्यू होना चाहिए, यहाँ 0 रहेगा, यहां से बढ़ता हुआ जाएगा, फिर इस की फ्रेम से इस की फ्रेम तक वो कंटिन्यू एज इट इज ग्लो रहेगा। और वापस जब वो 2 सेकेंड में, मतलब जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स्ट एनिमेशन ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट जो है वो खत्म होने वाला है, उसका एनिमेशन खत्म होने वाला है, वहां पे ग्लो क्या, ग्लो इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमारा टाइटल एनिमेशन प्रॉपर तरीके से रिवील हो जाएगा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या कर देंगे, हम इन दोनों की को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो ग्लो मेरा यहाँ से गायब हो चुका है गाइस। तो इतना यहाँ तक ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है भाई, कि आपको अगर कंटिन्यूटी रखनी है कभी चलता ही रहे तो आप लूप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, बट हमारा एनिमेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है, हमारा टेक्स्ट एनिमेशन ट्रांसफॉर्म इफेक्ट हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है, एडवांस टेक्स्ट एनिमेशन प्लस आप इसे जैसे मैंने बताया साईफाई फिल्म के टाइटल एनिमेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। तो अगर मेरे ट्यूटोरियल आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल हो रहे हैं, तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना तो जरूर बनता है क्योंकि वो भी कुछ नया सीख पाए, प्लस कमेंट में मेंशन जरूर करना ट्यूटोरियल आपके लिए कितने यूजफुल हो रहे हैं, और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स आपको मिलते रहे।